बोल माझे माता पिता बंधू भगिनींनो, आज या ठिकाणी मानवाटणी जे फ्री सेमिनार ठेवलंय ते फक्त बोलण्यासाठी, लाखो करोडो लोकांच्या मनावर राज करायचं असेल, लाखो करोडो लोकांच्या मनावर राज करायचं असेल तर भाषण करताच आला पाहिजे। हा मंत्र हा मानवाटचा मंत्र आहे। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषण एक ऐसी कला है कि दुनिया के अंदर आप किधर भी जाए तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसका सीधा साधा उदाहरण अगर हमें लेना चाहिए तो हमारे देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक स्टेशन के ऊपर से लेके तो आज की इनकी जिंदगी का प्रवास हमको सबको पता है। लेकिन क्या हर आदमी चाय बेचने वाला पंतप्रधान बन सकता है? क्या हर आरएसएस का आदमी ये तीन बार गुजरात का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। आज उन्होंने हमारे सामने एक बड़ी मिसाल बना के रखा है कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। आज दिल्ली के अंदर G20 का सभा भरा है और पूरी दिल्ली आज बंद है और हमें पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के मंत्री लोग आज हमारे दिल्ली शहर के अंदर आए हैं और यह बहुत गर्व की बात है कि आज हमें यह सब मिल रहा है। मेरे भाइयों, मुझे आपको इतना ही कहना है कि जो भाषण करने का ढंग, जो भाषण करने की शैली आज उनके अंदर है, उसके बदौलत आज नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाया है। मेरे भाइयों, हर आदमी के अंदर जैसा मैडम ने बताया कुछ ना कुछ सलाहियत है और हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर था और उस मंदिर के अंदर देश विदेश से लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे और उस मंदिर के अंदर देश विदेश से लोग जो आते, वहां के ट्रस्टियों ने देखा कि ये मंदिर में बाहर के लोग आ रहे हैं तो यहाँ के जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं इन सबको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि यहाँ जो भी आदमी काम करता है उनको अंग्रेजी